वाहन चालकों को नियम तोड़ने देखकर यातायात पुलिस ने गांधीगिरी के माध्यम से उन्हें हेलमेट तथा नियम से चलने के लाभ सुझाते हुए गुलाब के फूल भेंट किए। मुरैना यातायात सप्ताह के 2 दिवस के लिए बढ़ाया गया। अब इसका समापन 19 जनवरी को किया जाएगा। 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान मुरैना यातायात पुलिस के द्वारा दिखाई गई गांधीगिरी से आमजन अभिचंत रह गए। नियम तोड़कर वाहन चला रहे चालकों से पुलिस ने रोककर पहले तो फूल पेंट किए। नियम तोड़ने के कारण लिखित में चालकों से लिए गए और नियमों का पालन करने वाले चालकों को मल्यप्रण कर उत्साह प्रदर्शन किया गया। बिना नियम वाले चालकों को समझाते बाद की दी गई गांधीगिरी में पुलिस का सहयोग विद्यार्थियों व युवाओं के सामाजिक संगठन एपी क्लब द्वारा किया जा रहा है। यातायात पुलिस दुर्घटना में घायल के इलाज पर विशेष ध्यान दे रही है। तो ये क्या कार्रवाई की है यातायात पुलिस ने, आपकी क्या गाड़ी पकड़ ली है? हमारी गाड़ी रॉन्ग साइड से जा रही थी, तीन लोग बैठे थे उस पर, तो उन्होंने पकड़ के हमको बैठा लिया यहाँ पर। उन्होंने समझाया कि यहाँ पे आप वैसे रॉन्ग साइड पे मत जाया करो, का प्रलंघन किया। हम लोगों ने उन्होंने बैठकर हमको समझाया, फार्म भी दिया, उसमें हमसे जानकारी भी ली कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए आज से हमसे कोई गलती नहीं होगी, आइंदा कोई गलती हम करेंगे नहीं। नाम सर बंटी। ये आप जो यातायात पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आपका क्या क्यों कार्रवाई की है और ये क्या आपका रिक्शा पकड़ लिया है अभी? हम लोग क्या रॉन्ग साइड जा रहे थे, तो इसलिए हमारा रिक्शा पकड़ लिया था। उसको लाने के बाद थाने में ये समझाया था कि मतलब आप ये नियम को वो रॉन्ग साइड चल रहे हो, ये गलत है, तो इसलिए हमको एक फार्म दिया था और उसमें हम और लिखवाया था कि ये आगेंदा से भविष्य में गलती नहीं हो और नियमों का पालन करें। आपके साथ यातायात पुलिस फूल देकर भी लोगों को जागरूक कर रही है कि आपको भी फूल दिए गए थे? नहीं, अच्छा काम कर रही है यातायात नियम और हम लोगों को भी मतलब ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए रॉन्ग साइड से। और आप और लोगों को भी प्रेरित करेंगे इसके बारे में? बिल्कुल करेंगे सर। वाले हैं दो पहिया वाहन पे जो बिना हेलमेट चलते हैं उनको, इसके अलावा जो ठेले बीच रोड में खड़े करके कर रहे हैं उनको, और जो दुकानदार एंक्रोचमेंट कर रहे हैं और कचरा फैला रहे हैं उनको हमने गांधीगिरी से उनको मालाएं पहनाई, उनको गुलाब के फूल दिए और उनको समझाई थी कि ना तो रॉन्ग साइड चलेंगे, ना दो पहिया वाहन रोड पर पार्किंग करेंगे और ना ही ठेला रोड पे लगाएंगे, हॉकर्स जोन में ठेला लगाएंगे और ना ही दुकानदार कचरा करेंगे एवं ना ही दुकानदार रोड पे एनफोर्समेंट करेंगे। आगे कभी अगर नियम का पालन नहीं ये लोग करते तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमने जो कमर्शियल वाहन है जैसे बसें हैं, टेम्पो हैं, ऑटो हैं, इन पे भी हम लोगों ने स्टिकर चिपकाए जिससे रात के समय ये चमके और एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं कम से कम। सर आगे भी यातायात सप्ताह के द्वारा और क्या क्या कार्यक्रम? इसके अलावा हमने आज स्कूलों में यातायात नियमों के जागरूकता के लिए बच्चों को पढ़ाया, इसमें 2 स्कूल आज किए हमने। इसके अलावा अभी कॉलेज में शाम के टाइम अभी जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ भी कार्रवाई करेंगे, वहाँ लोगों को बच्चों को शिक्षा देंगे। देखा जाए तो यातायात के जो आप कर रहे हैं उसमें उसमें कुछ युवाओं ने आपका साथ भी दिया है, इसमें शहर के युवाओं ने कौन सा ग्रुप है? एपी फैंस क्लब है जो, वो उसके बच्चे हमारे लगातार साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने साथ दिया और बच्चे बिल्कुल जागरूक हैं और लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन